नमस्कार किसान भाइयों, आपका हार्दिक अभिनंदन अपने YouTube चैनल देसी फार्मर के अंदर। किसान भाइयों, आज हम पहुंचे हैं एक 300 गिर गाय की गौशाला जो काफ़ी शानदार और काफ़ी अद्भुत है। बड़ौदा के आसपास है ये जगह और आप सामने देख सकते हो, ये इनका एंट्री का आप गेट है सामने और इस गौशाला के जो मालिक है वो अपने सामने हैं। सर, आपका हार्दिक अभिनंदन अपने यूट्यूब चैनल देसी फार्मर के अंदर। सर, आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, आपका क्या नाम है, कहाँ से बात कर रहे हो और इस गौशाला का क्या नाम है? रेवा मिल्क सर नाम है गौशाला का। मेरा नाम राणा यादव पड़ेगा। जी सर, आगे चलिए, अपन और आगे आज चलते सुबह, हैं। हाँ ये इनका हाँ गेट हो गया और ये काफ़ी अद्भुत, काफ़ी शानदार, मेरे को ये सामने देख देख सकते हो दोस्तों आप भी, काफ़ी बड़ा इनका गौशाला है, काफ़ी अच्छा फार्म है इनका, अद्भुत फार्म है। और इसके बारे में और क्या डिटेल है सर, इनके बारे में बताइए आप। ये सबसे पहले आपने कब शुरुआत की, कैसे इसकी शुरुआत हुई, उसके अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताने की कोशिश कीजिए आप। सर, इसमें क्या है, 10 गाय से हमने स्टार्टिंग किया था। 10 गाय से आपने स्टार्ट किया था? 10 गाय से जी धीरे 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 करते गए, बढ़ाते गए, तो 300 के ऊपर हुई आज 5 साल में। हर गाय का नाम और कौन सी गाय कैसी है उस हिसाब से हमने रखे हैं यहाँ पे। ये मैं सामने आपकी देख रहा हूँ, काफ़ी अद्भुत गायें मेरे को दिख रही है, इनके बारे में बताइए कि ये जो कैटेगरी वाइज आपने गायें भर रखी है, सबसे पहले कितनी गाय होगी सर इसके अंदर? इसके अंदर सब टोटल 300 के ऊपर है। 300 से ऊपर ये आपका फार्म देख रहा हूँ और काफ़ी अद्भुत, इसका हाइट वाइट भी काफ़ी शानदार दिख रही है। तो ये हाइट वाइट का इतना बड़ा शेड बनाने का आपके अंदर ये उद्देश्य कहाँ से आया कि आपको गौशाला खोलनी है, वो भी 300 गाय की? सर, हाँ सर, ऐसा थॉट प्रोसेस क्यों आया आपके मन के अंदर, 10 गाय से आप स्टार्ट कर सकते थे, इतना बड़ा आपने फार्म खोल लिया, मैनेज करने में कोई तकलीफ आ रही है? नहीं आ रही है सारा सब कुछ मैनेज हो रहा अच्छे से? सब टोटल। कितने इसमें डिवीजन दिख रहे हैं मेरे को, एक से बढ़ के एक इसमें दिख रहा है, एक ये रहा, दूसरा आगे है, तीसरा है, आखिर तक है, कितने इसमें हेचेज आपने बना रखे हैं सर? इसमें हाँ हर गाय का 20-20 का ओड़ा बना के रखा हूँ जी अलग अलग। जी, इसमें 3 महीने से 6 महीने की प्रेग्नेंट गाय हैं। 3 महीने से 6 महीने की जो प्रेग्नेंट गायें हैं वो इसमें दिख रही है मेरे को। हाँ, इसमें दिख रही है। तो ये गायें कितने महीने की है, इन गायों की थोड़ी सी विशेषताओं के बारे में आप सामने आ जाइए और विशेषताओं के बारे में मेरे को बताइए सर। देखिए, ये सब गाय अभी कोई दो दो वेतन की है, कोई 4 वेतन की है, हाँ, इसमें कोई 5 वेतन की है, ये आगे वाले हेच में देखते हैं, इसके बारे में बताइए सर। सब एक ही है सर, ये सारी एक ही ये है? पूरा टोटल एक ही है। अब सर, अपने वहाँ से सामने मैं देख रहा हूँ, वहाँ से प्रेग्नेंट गायों का हेचेस था, अभी इसमें दूसरे में आए हैं, ये नंदी मेरे को दिख रहा है, इस नंदी की क्या विशेषता है सर? अरे, नंदी का नाम है करण। करण, करण है। और ये क्या विशेषता है, प्योर गिर का है ये? प्योर गिर। इसमें को हेचेस में मैं देख रहा हूँ कौन सी टाइप की गायें हैं और गायें कहाँ गई अभी इसकी? ये गई आगे गई है, वहाँ पार्लर बना हुआ है, वहाँ पे दूध निकालने के लिए गई है। ये कितने महीने का है, कितने का है सर, इसके बारे में अभी थोड़ा? 2.5 साल का नंदी है ढाई अपना। साल का। आगे चलते हैं, आगे भी काफ़ी आपने तो एक से बढ़ के हेचेज इधर बना रखे हैं, काफ़ी अद्भुत। दोस्तों, आपको मैं बताना चाहूँगा कि काफ़ी शानदार, और ये अपने गुजरात में तीसरे या चौथे नंबर पे सबसे बढ़िया ये गिर नस्ल की गायें यहाँ पे गौशालाएं हैं और काफ़ी अद्भुत यहाँ पे काम हो रहा है और ये इनका ओनर अपने साथ है। सर, इनके बारे में बताइए, ये सामने में जो दिख रही है इस हेज के बारे में। हाँ सर, ये जो अपनी है 7 महीने से 9 महीने तक की तैयारी वाली गाय है। 7 से 9 महीने की जो प्रेग्नेंट प्रेग्नेंट होगी, है, बच्चा देने की तैयारी है। ये तो मेरे को पहली लैक्टेशन की दिख रही हाँ है पहली है। और इधर गिर गाय आ रही है ये? हाँ, ये 6 महीने की गाभिन भी है, दूध भी दे रही है। 6 महीने की गाभिन भी है, दूध कितना लीटर हो जाता है इसका? अभी दे रही है, शुरू शुरू में जनती है ना, तो ये देती है 8 लीटर 9 लीटर टाइम पे, लेकिन अभी 4-5 दे रही है। अच्छा सर, और इनके बारे में बताइए सर, विशेषताओं के बारे में बताइए, आगे चलते हैं। देखिए, प्योर ये गिर, ये नंदी है। ये देखिए, ये नंदी भी एक इधर अलग दिख रहा है। इसकी माँ 24 लीटर दूध देती थी। 24 लीटर? हाँ। कौन कहाँ से लेके आए, इसका नाम क्या है, कुछ आइडिया? जूनागढ़ है इनका नाम, अभी हमने नहीं रखा। इसकी माँ मर चुकी है, 2.5 लाख में लाए थे। 2.5 लाख में लाए थे? कितनी गायों को अभी तक ये प्रेग्नेंट कर चुका है? अभी इनके बच्चे लगभग में 15 से 20 बच्चे आ चुके हैं। 15 से 20 बच्चे? हाँ हाँ जी सर। और ये अभी गायें कहाँ जा रही है? ये जा रही है अपने ओड़े में जा रही है, वहाँ से आगे से सामने से आके आई है। हाँ हाँ, पार्लर बना हुआ है। ये मेरे को कांकरेज दिख रही है साहब। हाँ, ये कांकरेज है। अच्छा, काफी अद्भुत। अभी सर मैं देख रहा हूँ ये काफी शानदार मेरे को दिख रही है, अभी ये गायें खुली में कुछ जा रही है कुछ आ रही है, इनका क्या काम चल रहा है अभी, दूध निकालने का? हाँ, दूध निकालने का अभी खत्म हो चुका है, लास्ट है ये, लास्ट लास्ट है अभी। जैसे मैं इनका कुछ सींग लाल कलर में दिख रहे हैं, तो ये क्या कारण है, आपने ये लाल कलर में क्यों करवा रखे हैं? इनको हमने इंश्योरेंस निकाले हैं इनका। हाँ।
इंश्योरेंस लिया आपने? हाँ। इंश्योरेंस मतलब थोड़ा सा समझाने की कोशिश की, क्या इंश्योरेंस? इंश्योरेंस में 3 साल का इनका इंश्योरेंस लिया हूँ। हाँ। कि 3 साल के अंदर जो भी कुछ होए हाँ। तो इंश्योरेंस माफ हो जाएगा। हाँ। 60,000 रुपये भी आपको सरकार देगी। काफी दोस्तों आप सामने देख सकते हो, इधर इनका ये कलर है, इसका इधर रेड है, ये क्या कर? अलग अलग है, 12-12 की इंश्योरेंस अलग अलग निकाले हैं। अच्छा, वो अपने पहचानने के लिए कलर मारे हैं। एक बात बताइए सर, जैसे आपसे मैं वार्तालाप कर रहा था, कितना साल हो गया इसको डेयरी फार्म को? 5 साल। 5 साल हो गया। कितनी गायों से शुरुआत हुई थी? शुरुआत तो हमने किए थे 10 गाय ले आए थे, लेकिन ये एक ही साल में 100 गाय कर दिए थे। एक ही साल में 100 गाय कर दी थी आपने? अभी कितने से रेंज तक गायें यहाँ पे मिलती है? एवरेज में 75,000 की एवरेज से गाय आई है। हाईएस्ट कितने की है? हाईएस्ट 2-2.5 लाख की गाय हमारे पास है। 2 से 2.5 लाख। हाँ। अगर बात करें दूध का, क्या है ऑन एवरेज दूध रहता है पर डे का आपका, गाय का? एक गाय का हमारे यहाँ जितनी गाय है 17-18 लीटर का एवरेज है। 17-18 लीटर? हाँ, एवरेज ताजी जो जन्मी होती है ना 0 से महीने तक उनकी। मैं सामने ये देख रहा हूँ और काफी अद्भुत भी है ये, आपने काफी हाइट कर रखा, हाइट करने का क्या फायदा है गौशाला में? हाइट करने से यही फायदा है कि इनको ताप नहीं लगेगा। हाँ। ठंडक मिलेगी। हाँ। अच्छा से रहेगी, इसीलिए हाइट करते हैं। 300 गाय में से कितने दूध दे रही है अभी? 110 दे रही है। 110 दे रही है। 110 गाय का कितना पर डे का आपको दूध हो जाता है? 110 गाय का 700 से 750 लीटर जितना होता है। 700 से 750 लीटर। इसको बेचते कहाँ हो दूध को? पूरे सिटी वडोदरा में जाता है। क्या पर डे क्या रेट मिलता है आपको? 75 रुपये। 75 रुपये पर लीटर के हिसाब से? लीटर के हिसाब। पूरा दूध बिक जाता है या बस्ता भी है? पूरा बिक जाता है, थोड़ा बहुत रिटेन आता है तो उनका दही जमा देते हैं। परमानेंट कस्टमर रहते हैं कि आपके वही? परमानेंट है। इधर में नंदी भी दिख रहा है, ये कौन से, कहाँ से लेके आए, कितने साल का है, इसके बारे में? जूनागढ़ से आया है, महादेव नाम करके नंदी। महादेव जी है इसका नाम। अपन उधर से इधर आए हैं सर, ये आपका मिल्किंग का एरिया मैं देख रहा हूँ और इधर भी गायें आपने भर रखी है, तो ये इसमें कौन सी टाइप, किस टाइप की गायें हैं, क्या है क्या नहीं, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में जानकारी देने की कोशिश कीजिए आप। जो ताज़ा बच्चा देती है वो, जो अभी बच्चा दिया है जिसने, वो इस टाइप की गायें हैं। छोटे बच्चे भी मेरे को दिख रहे हैं। ये अपने खुद के यहाँ के सिमंस के बने हुए हैं, खुद के यहाँ के नंदी? यहाँ के नंदी से खुद का। बताइए सर, ये यहाँ किस टाइप की है? यहाँ पे जो ताजी जनी हुई है 15 दिन हो चुका है इनको। हाँ। 15 से 20 दिन का। हाँ। वो गाय है यहाँ पे। ये आपका मैं देख रहा हूँ मिल्किंग का पैकिंग का समय हो रहा है, तो ये क्या, किस हिसाब से, कितने बाय कितने केजी का ये पैकेट होता है, इसके बारे में डिटेल दीजिए थोड़ा। ये लीटर का है। हाँ, 1 लीटर का? 1 लीटर का है। ये आपका लोगो भी नाम से चलता है, रेवा मिल्क का फार्म है। रेवा मिल्क का आपका फार्म है। और ये इधर क्या भंडार मेरे को दिख रहा है इसमें? इसमें दूध जो तुरंत दुआई होती है, कपड़ा लगा के घर नहीं करते जी, फिर जाके गर्मी के साथ ये लीटर की है। हाँ। ये 500 ये लीटर लीटर कोई किसी को 4 लीटर का चाहिए होगा तो उसको क्या करोगे? मिल जाएगा एक साथ, ये अलग अलग एक एक केजी के मिलेंगे या? हाँ, चार एक, के नहीं, एक एक केजी का 4 जाएंगे। और यहाँ से अगर कोई दूध लेना चाहेगा तो वो ले सकता है? ले सकता है। कैसे यहाँ आपसे संपर्क कर सकता है? बड़ौदा में, पूरे बड़ौदा में मिलता है या एक स्पेसिफिक लोकेशन है वहीं मिलता है? कोई भी एरिया में आप बोलेंगे पहुँच जाएगा। तो कैसे आपसे संपर्क कर सकते हैं? आप गूगल पे सर्च मारेंगे रेवा मिल्क, तुरंत आ जाएगा। गूगल पे आप जाएंगे वहाँ से आपको एकदम, मैं दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, मेरी आंखों देखी आप, मैंने जो नॉलेज एक्सपीरियंस किया है, एकदम प्योर ऑर्गेनिक हाइजेनिक जो मिल्क है वो यहाँ प्रोवाइड होता है। आप देख सकते हो साफ सफाई, कितनी बार इसको छलनी किया जाता है, ये छान के इसमें से फिर पॉलीथीन में इसको पैक किया जाता है, और कोई भी इसमें बीमारी या जो गंदगी है वो आप सामने देख सकते हो, कितनी साफ सफाई इन्होंने रख रखी है। और आगे देखते हैं सर, आपके बच्चों की तरफ चलते हैं, वहाँ भी काफ़ी शानदार, ये छोटा सा एक बच्चा मेरे को सामने दिख रहा है, काफ़ी अद्भुत, काफ़ी अच्छा आपने शानदार मैनेजमेंट कर रखा है। इनके बारे में बताइए सर, ये किस टाइप की है क्या नहीं है? ये जितनी हमारी गाय दूध देने वाली है उनके बच्चे हैं। ये बछड़े हैं सर? हाँ, वो जो है 2 से 3 महीने वाले बच्चे हैं। वो जो छोटे मेरे को दिख रहे हैं। हाँ, ये 6 से 1 साल वाले। 6 से 1 साल? हाँ, 6 महीने से 1 साल तक। आगे चलते हैं। अलग अलग इसमें नंदियों को अलग कर रखा है, गायों को अलग कर रखा है या मिक्स है सब? नहीं, अलग अलग है, बछड़ी जो है अलग है। हाँ, बछड़े अलग है, लेकिन ये सब बछड़े हैं। ये बछड़े हैं। बछड़ों का क्या करते हो सर आप? बछड़े का कुछ नहीं, वो पाजरापुर में गौशाला है वहाँ पे दान कर देते हैं। कहाँ पे? पाजरापुर में। अच्छा, वहाँ आप दान कर देते हो इनको? हाँ। इनको दूध के अलावा और क्या खाने में देते हो आप? दूध के अलावा इनको चारा देते हैं। हाँ।
और उसके बाद काफ स्टार्टर देते हैं धान। अभी अपन ये आपका अंदर वाला शेड आपने देखा, लेबर भी यहाँ काम कर रहा है और अपन अपन बाहर आ गए हैं ओपन एरिया में, एक से बढ़ के एक गाय यहाँ पे खुली में मेरे को दिख रही है। ये कितने गायों का यहाँ पे स्ट्रक्चर आपने बन रखा है सर? अरे 50 की है। 50 एक गाय है यहाँ पे। ये सारी अभी जो दूध नहीं दे रही है वो गायें हैं? हाँ, अभी ये तैयारी है पहले वेतन की है। पहले वेतन वाली ये गायें हैं। हाँ। एक इसमें थोड़ा सा मेरे को कीचड़ सा दिख रहा है और ये समस्या है, और तो कोई मेरे को इसमें समस्या नहीं दिख रही है। नहीं, कीचड़ की समस्या इसलिए है अभी चारा में फर्क होता है। हाँ। चारा लीला खा रही है ना? जी सर, इसलिए लीला दिख रहा है। 10-12 गाय दिख रही है। जी सर, ये 8 महीने हो चुका है इनको। 8 महीना हो गया? हाँ, महीना ही बाकी है। अच्छा सर, आ जाएंगे इनका बच्चे। ये अब ब्याज देने वाली है, ये बच्चे को जन्म देने वाली है। जन्म देने वाली है। इधर ये मेरे को लकड़ियां ही लकड़ियां दिख रही है, इनके बारे में बताइए। ये क्या है? इनके गोबर से लकड़ा हम बनाते हैं। गोबर के लकड़े भी आप बनाते हो? कहाँ बेचते हो सर इसको? इसको जाता है कहीं होली पे आएगा आर्डर, मसान पे आता है। हाँ, तो वहाँ वहाँ जाता है, वहाँ जाता है। और उधर मशीन वही है, इससे इससे बनता है। आप इधर मैं लकड़ियां भी देख रहा हूँ, इधर आपकी शानदार काफी अच्छी आपकी गौशाला भी दिख रही है, और इधर ये लकड़े दिख, ये इधर आप गैस वो खाद भी बनाते हो सर गोबर की? ये लकड़ों का भंडार आपने दिख रहा, अभी होली आ रही है तो होली के अंदर ये स्टॉक करके आपने रख रखा है सर। हाँ, और इधर ये छोटे बछड़ों का मेरे को और इधर कहीं दिख गई, आ रहा हूँ इधर, तो ये कौन सी है, क्या है क्या नहीं सर? ये 1 साल हो चुका है इनको। 1 साल हो गया है? 14-15 महीने के बच्चे हैं सब पड़े। 14-15 महीने के? कोई यहाँ से लेना चाहेगा तो नहीं मिल सकता सर? नहीं, अभी तो हम नहीं बेचते हैं। आगे और क्या टारगेट है, कितने गाय करने का आपका विचार है सर? 1000। 1000 गाय करने का? 1000 गाय हैंडल हो जाएगी सर? हो जाएगी, हो जाएगी। आपको कुछ तकलीफें भी आती है दिन रात यहाँ काम करते हो, ये दाना भी खा रही है, क्या क्या? कोई तकलीफ नहीं है। कोई भी तकलीफ नहीं है? कुछ इनमें कलर का भी मेरे को डिफरेंस लग रहा है, कलर क्यों फर्क आ रहा है? क्या अपने नंदी पे डिपेंड है? नंदी के ऊपर डिपेंड है? आपके यहाँ पे कितने किस किस टाइप के नंदी है, कहाँ कहाँ? देखिए, व्हाइट भी है, काबरा भी है, लाल भी है। सारे जूनागढ़ से लाए हुए हैं? सब सारे जूनागढ़ के नंदी यहाँ हम अपना खुद पाले हुए हैं, बड़े किए हैं। एक ही नंदी लाए थे, वो महादेव जो पहला दिखाया। ओरिजिनल गिर गाय का कैसे पता लगे? ओरिजिनल ही है, देखिए ओरिजिनल का जो कान होता है ना। हाँ। वो नीचे ऐसे घूम जाता है। अच्छा, ऐसे टर्न हो जाता है? टर्न हो जाता है। हाँ। लंबे लंबे कान होता है जी सर। तो सर, बारिश के टाइम इनको इतना तकलीफ नहीं आती क्या? थोड़ी पानी की आती है, थोड़ी आती है, तो बारिश में फिर वो शेड के अंदर चली जाएगी। शेड के अंदर चली जाएगी। ऐसे गर्मियों में कोई तकलीफ नहीं है इनको? कोई तकलीफ नहीं है, घूमने की आराम। सर, जो ये जितना दूध बचता है, देखिए यहाँ पे ऐसा दही लगता है जी। ये दही हो गया, फिर ये दही जो है अपना आपको मशीन जो दिखाया वहाँ डाल देता हूँ। ये जो मशीन सामने दिख रही है? हाँ। तो फिर मक्खन बनाती है। मक्खन कैसे बनता है? मक्खन बनाती है, अभी मक्खन हमारा स्टॉक में नहीं है, चला गया है घर पे। यहाँ फ्रिज में मक्खन रख देता हूँ। फ्रिज में रखते हैं और चालू कर देते हैं तो ठंडा रहता है, ठंडा रह जाता है। इधर देखता हूँ, इधर भी मशीनें एक और भी है, ये क्या सिस्टम है इसके बारे में? गौमूत्र की मशीन, आर्क बनाने का काम करती। अभी तो अभी तो फिलहाल बंद दिख रही है मेरे को। अभी बंद है? हाँ, अभी इसका काम बंद है, आज अपने पास भी स्टॉक में पड़ा है। अच्छा, स्टॉक में पड़ा है। तो खाद है ना? हाँ। इसी तरीके से हम पैक करके देते हैं। अच्छा, ये 5-5 किलो का? हाँ, 5 किलो की एक पैकिंग आता है। ये स्टोर रूम आपका दिख रहा है, ये किस चीज का है? यही खाद का ही है सर, सारा खाद का। ये हाँ। इधर मशीन है जाली को छीनने की, खाद बनाने। ये मशीन? ये मशीन जो है ना, ये अपना दाना बनाते हैं हमको जी, मकाई बजड़ा हो तो तोड़ती है, बनाती है। क्या क्या इसमें डालना पड़ता है? इसमें मकाई बजरा डाल देते हैं, चना डाल देंगे, तुवेर जान देंगे, सब सब आ जाता है। सब आ जाता है? हाँ, आ जाए। ये मशीन मेरे को दिख रही है, ये चॉप कटर दिख रहा है मेरे को ये। हाँ, ये कि दाना वाना बनाने के लिए है क्या है ये? नहीं नहीं, चारा काटती है, चारा काटने का मशीन है ये। हाँ। ये आपका दाने का स्टोर रूम आ गया, ये गोदरेज का सारा सिस्टम मेरे को दिख रहा है। हाँ, ये गोदरेज का क्या आता है इसमें, क्या कौन कौन से है उसके बारे में बताइए। देखिए, गोदरेज जो अपने 0 से महीने वाले बच्चे वो है स्टार्टर, 0 से महीने के बच्चे देखे थे उनके लिए ही है। हाँ, काफ स्टार्टर है, काफ स्टार्टर है। कितने का आता है ये पैकेज? ये आएगा 1300 का, 1300 किलो का, 25 किलो का है। एक बच्चे को कितना चाहिए होता है? ये 200-250 ग्राम देता है। 200-250 ग्राम जी सर। आगे आगे देखिए, सुपर गोल्ड है। सुपर गोल्ड है? ये अपने जो गाभन और बछड़िया है ना, उनको देते हैं, गाभन और बछड़ियों के लिए। उसको कितना देना पड़ता है? इसको किलो किलो, 2 किलो, जैसी है, छोटी है तो किलो देता हूँ, बड़ी है तो 2 किलो दे देता हूँ। और इधर ये अपने हिसाब से खिलाता हूँ। ये देखिए, मिल्क मोर है गोदरेज कंपनी का। अच्छा अच्छा, तो ये मिल्क वाली को देता हूँ। अच्छा। जो अपने पास दूध देती है। अच्छा, और ये वो ही है गोल्ड वाला है। अच्छा। हाँ। ये मकाई बाजरा है आगे, ये मकाई बाजरा आपका दिख रहा है। हाँ, देखिए बेसन भी देता हूँ। बेसन से क्या फायदा होता है?
इससे क्या है, अपना दूध बढ़ेगा, घटने पीछे घटने नहीं देता है, ठीक है सर, हफ्ते में देता हूँ। काफ़ी अच्छी जानकारी आपने दी है, आपने जो भी आपके पास जानकारी थी काफ़ी शानदार आपने जानकारी दी है। उम्मीद करता हूँ कभी और कभी आएंगे और इतनी ही अच्छी जानकारी आपसे मिलेगी सर। धन्यवाद सर आपका।